वेल दो हज़ार सत्रह मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया बिकॉज मैंने दो हज़ार बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह मैंने इतना काम किया है जुगनी जी से शुरू करके फिर 2014 में बेबी डॉल फिर 2015 में चिटिया कलाइया और इतने सारे गाने 40 45 गाने तो गा चुकी हूँ और परफॉर्म uh, करना सीखा इतने शोज करे इतनी दुनिया घूमी टूर्स करे तो 2017 में मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आराम करूं थोड़ा फैमिली के साथ आ, तो वहाँ देखूं या आपको देखूं दे? ठीक आ, तो हाँ है तो कनिका जी हम बात 2017 की कर रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा रहा आपके लिए सारी मेहनत जो आप अपने जितनी इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत करी है मैंने दिन में 20-20 घंटे -20 काम किया रोज़ तो 2017 में मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा सा आराम करूँगी नहीं तो एकदम बर्नआउट हो जाऊँगी तो मैंने खूब मज़े किए खूब गाने गाए खूब रिकॉर्डिंग्स करी खूब ट्रैवल किया खूब अपनी फैमिली के साथ समय बिताया एंड बहुत सारे जो बढ़िया बढ़िया गाने आ, गानों पे काम किया है डिफरेंट uh, डिफरेंट गानों पे काम किया है वो अब 2018 में uh, निकलने शुरू हो रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि डिफरेंट uh, डिफरेंट गाने जो जैसा मैं चाहती थी कि डिफरेंट गाने हो थोड़े से डिफरेंट uh, जॉनराज में हो uh, 2017 में मुझे आइफा मिला डाडा डसे के लिए तो उसके वजह से बहुत से लोगों को uh, लगा कि वो मुझे डिफरेंट जॉनरा के गाने भी दे सकते हैं सो दै्स इट आई क्रॉस माई फिंगर्स वेल सुखी जी के साथ, well, जी के साथ uh, मैंने एक अमेरिका uh, uh, और कैनेडा में टूर किया था uh, दो साल पहले एंड मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी एंड वो बड़े मस्त मौला इंसान है बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में जब इतनी सारी बातें हैं इतनी सारी बातें इतनी सारी बातें हैं उनके अंदर माय गॉड एंड आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ दैट वो इतने इतने सीनियर सिंगर के साथ uh, मैं मैंने काम किया और काम आगे भी कर रही हूँ हमारा एक बहुत अच्छा गाना निकल निकल निकलने वाला है एक पिक्चर में फोक uh, यूपी फोक गाया है एंड सो ऑफकोर्स मिक स्टेप I cannot say anything थिंग कौन सी picture में होगा but uh, um, but बहुत ही एक्साइटिंग साल है ये मेरे लिए मिक्स टेप से शुरू हुआ है बहुत मज़ा आया मुझे ऑफकोर्स टी सी के साथ एक फैमिली जैसा है एंड उनके साथ काम करने में इट्स ऑलवेज फन

वेल well, मैं सारी फ़िल्म जब वो मुझे अलाउ करेंगे बताने के लिए मैं आपको बताऊंगी। बट बहुत अच्छा काम आ रहा है uh, मेरा बहुत बढ़िया एक सिंगल आ रहा है जो मैंने मीत uh, ब्रदर्स के साथ किया है uh, एक बहुत ही डिफरेंट ये एक ऐसा गाना है जिसके बारे में आपको बता सकती हूँ mm -hmm. एक राजस्थानी टेक है हमने एक बड़ा अच्छा शूट किया उसको uh, जयपुर में एंड uh, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग गाना है आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा नो इट्स नॉटी सॉन्ग डांस सॉन्ग बन्ना बन्नी के ऊपर है एंड मज़ेदार uh, लिरिक्स हैं मज़ेदार गाना है uh, इसका पूरी कॉम्पोजिशन बहुत बढ़िया है एंड एंड अगेन एक कनिका कपूर की आवाज़ में एक डिफरेंट स्टाइल आपको सुनने को मिलेगा सो mm -hmm. so, जैसे एक अभागी पिया की जो अभी मैंने किया है तेरा इंतज़ार में टी mm सी -hmm. uh, के साथ ऑफकोर्स अहमदैन मोहम्मद हुसैन जी के साथ आ, उसके बाद काफ़ी अप्रिसशन मिला है तो उस तरीक़े के गाने भी कर रही हूँ और सूफ़ी इंटरेस्टिंग गाने कर रही हूँ कुछ बहुत अमेजिंग कोलेब्रेशन कर रही हूँ सो so, इस साल काफ़ी मसाला है पॉकेट में इस तरह तो जब फैंस का बहुत ही प्यार मिलता है जी के की तरह। जी तो क्या फील करती हैं आप और जब आप जब भी कहीं ट्रैवल कर रही हो तो आपके गाने खुद सुनती हैं आप कि ओ वाह ये तो मेरा गाना हर जगह बज रहा है बहुत मजा आता तो है अभी मैं थाईलैंड में थी पिछले वीक और एक बिल्कुल ही रिमोट एरिया में एक रिमोट एरिया का मतलब एक बड़ी नॉन इंडियन एरिया में जहां आप सोच नहीं सकते कि हिंदुस्तानी भी दिख जाएंगे एकदम एक, एक बढ़िया से कैफ़े में शाम के समय बेबी डॉल बज रहा था उसका रीमिक्स बज रहा था और पंजाबी गाने और भी बज रहे थे सो so, मैं इतनी खुश हो गई कि ओ माई गॉड यहाँ पर भी लोग जितने डिफरेंट कल्चर के लोग हैं दुनिया भर से आए वो भी इस हमारे गानों पे इतना झूम रहे हैं इतना खुश हो रहे हैं तो so, कोर्स ये सब देखने के बाद लगता है कि, कि और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और अच्छे गाने निकालूँ सो या इट्स इट्स अ ब्लेसिंग